जिला मंडी के 36 जिला परिषद वार्डों से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन किया गया, लेकिन एक दिन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करने पर 11 जिला परिषद सदस्यों ने विरोध कर बैक आउट कर दिया। जिला मंडी के 36 जिला परिषद वार्डों से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन किया गया, जिसका 11 जिला परिषद सदस्यों ने विरोध जताया। वहीं सियोग वार्ड की जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने कहा कि एक ही दिन में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव करना सही नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान करना है। जितने भी नवनियुक्त जिला परिषद मेंबर आए हुए हैं, आज हम शपथ के लिए आए हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि चौथी बार मैं भी हूँ और एक ही दिन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने के लिए जो सरकार दबाव बना रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और इस तरह से नहीं होता है। आज से पहले तीन बार में पहले भी रही, टाइम मिलता है बातचीत करने के लिए। सरकार चाहे इनकी हो, इनके ही बने, हम भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आकर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो है वो ठोकरे हैं, इस दावा ठोकरे हैं, ठोके बनाए, हमें नहीं लेना देना है। पर ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो है हत्या कर रहे हैं लोग, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सारे लोग जो है, इसके विरोध में है हम लोग। और हम वॉकआउट करते हैं, और कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। 36 मेंबरों के साइन जो है हमने शपथ के लिए दिया है, ना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए। जो पहली मीटिंग होती है उसमें 36 मेंबरों के साइन चाहिए होते हैं, तभी हाउस होता है। इस तरह से नहीं होता है कि भाई हाँ जी जल्दी से अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हाथ खड़े किए और बना दिए। सब पढ़े लिखे हैं, हमें आज चुन के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा अनपढ़ नहीं है। तो मैं सरकार से और आप मीडिया के माध्यम से ये कहती हूँ कि ये सरकार की बहुत गलत नीति है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम 11 लोग हैं, 4 और भी 4 कॉमरेड भी हमारे साथ। वहीं भराड़ू बाट के जिला परिषद सदस्य कुशल भारद्वाज ने भी शपथ समारोह के ही दिन जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव किए जाने का विरोध जताया है। और शपथ के बाद इमीडिएटली बाद जो है वो प्रस्ताव रखा गया कि अभी चुनाव होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। हमें ये मंजूर नहीं है। पहली बात हमें बोला करते हैं कि जनता के मुद्दे उठाते हुए 12 महीने लड़ते हुए लोगों ने हमारे को वोट दिया कि हम जो है सदन के अंदर भी जनता की हिफाजत करें, और हमने शुभकामनाएं व्यक्त की। जो भी पैनल आएगा, जो जीतेंगे उनके लिए शुभकामनाएं हमारी, हम हाउस चलाने में पूरा सहयोग करेंगे निश्चित तौर पर। जो जनता के खिलाफ नीति जाएगी, मुद्दा जाएगा, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। और उसी नाते हम जो 5 लोग हैं और बाकी भी लगभग 11 लोग, हमने इसका जो है जो आज चुनाव कराया जा रहा है जल्दबाजी में, उसका बहिष्कार किया है। हमें मंजूर नहीं है कि आप जो है सारे जिला परिषद मेंबर्स को उठाएं उनके घरों से और रात को जो है पूरा सरकार का दबाव बना करके आप उनको कहीं रेस्ट हाउस में रखें और उसके आधार पर जबरदस्ती आप यहाँ पे जो है चुनाव थोप दें। चुनाव कल भी होगा, परसों भी होगा, 10 दिन के बाद भी होगा, वो कोई ना कोई चुना जाएगा। पर जिस तरीके का सरकार को इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे को मंजूर नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो अब्स्टेन किया इससे चुनाव से, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है आने वाले दिनों में इस जिला परिषद के अंदर जिस तरीके से जनता के मुद्दे हम सड़कों पर उठाते हैं 12 महीने, हम उन मुद्दों को यहाँ पर भी उठाएंगे। और ये जो नीतियाँ आज जिस तरीके की चल रही है प्रदेश के अंदर, हम उसका भी विरोध करेंगे पूरी तरह से। और जो नीति जनता के पक्ष की होगी उसके लिए हम जो है हमारा पूरा समर्थन होगा। हम अननेसेसरी जो है हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे सदन चलाने के लिए, लेकिन जो भी जनता के खिलाफ होगा हम उसको जो है सहन नहीं करेंगे। और ये जिस तौर तरीके से जल्दबाजी में जो है ये थोपा जा रहा है एक तरह से, ये हमारे को जो है मंजूर नहीं है। इसके हमें जो है अब मतलब हम जब हार आए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति हाउस में जरूरी थी? 1/3 की नहीं, और 11 लोग वॉकआउट कर रहे हैं, ये हमारी सिद्धत नहीं। हम तक कितने वी हैव बायकॉटेड दिस मीटिंग, एंड जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था वो हमारे को मंजूर नहीं है। हमने ये भी बोल दिया कि कोई भी चुन करके आएगा, जिस भी तरह के लोग होंगे, हमें जो है उनको सहयोग करना है सदन चलाने के लिए, लेकिन हमें ऑपोजिशन में बैठने के लिए दिया है। हम जो है जो सरकार का पैनल है, वी कैन नॉट सपोर्ट दैट पैनल। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी हैव बॉयकॉटेड, वी डोंट सपोर्ट देयर पैनल, दैट्स ऑल।